हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये हमारा न्यूज है इंडिया टुडे का, डीयू टू स्टार्ट 2022 एडमिशन थ्रू सीयूसीईटी। और आपको पता होगा ऑल अबाउट कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी उसमें ये बात की गई थी सीयूसीईटी की, लेकिन कोरोना की वजह से इतना ज्यादा लोड था कि वो नहीं हो पाया था। इस बार क्या है, पिछली बार ये सारे न्यूज जो है वो सरफेस होना शुरू हो गया था लगभग अप्रैल के बाद, तो सरकार भी बहुत मुसीबत में आ गई थी कि अचानक कैसे कंडक्ट करेगी, है ना। लेकिन इस बार ऐसा बात नहीं है। आप देख रहे हो, ये न्यूज बहुत पहले ही सर्कुलेट हो रहा है और इंडिया टुडे एक बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है जिसपे ये न्यूज आ रहा है। आपको हम बहुत डिटेल में इसके सिलेबस के साथ आपको बताएंगे और बताएंगे कि हमारा जो पेड कोर्स है वो क्यों इंफॉर्मेटिव है और जरूरी है। जिस तरीके से इस बार काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ में भी और बीएचयू में भी बहुत सारे कोर्सेज में, उस तरीके से ये आगे भी आपके लिए काम होगा। देखते हैं, बिंग वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज एन ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एडमिशन वेरियस अंडर ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स इन सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। अच्छा, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो लाइन लिखी हुई है, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी, इस बार भी एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है उसमें किसी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी जोड़ दिया गया है, जैसे बीएचयू के साथ बीबीए को जोड़ा गया था। आपको पता होगा जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया था। हैविंग अ मेजर चेंज इन एकेडमिक ईयर, सीयूसीटी हैज बीन नेम्ड द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग जेएनयू, डीयू, बीएचयू एज पर लेटर फ्रॉम यूजीसी। और ये सीयूसीटी विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियरली है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। अब ये कहाँ आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसकी बात की गई थी। यहाँ आगे आप पढ़ोगे, एज रिपोर्ट्स यूजीसी सेड द प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज आल्सो दोज रन बाई स्टेट्स कैन ऑप्ट फॉर एडमिशन, अगर वो चाहते हैं, उनकी चाहत पे है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके लिए तो ये बनाया गया है। देखिए, अब क्या है कि सीयूसीटी हो सकता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ की आप न्यूज पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। फॉर्मुलेट द एस्पेक्ट्स हैड रिकमेंडेड द न्यूज टू रिकमेंड सीयूसीटी इन क्लास 12 स्कूल्स प्लस। अब डीयू का जो होता था, आपको पता है ना, परसेंटेज बेस्ड होता था जिससे कितना ज्यादा प्रेशर आता था बच्चों पे। सो सबसे पहले इसको समझना चाहिए क्यों जरूरी है सीयूसीटी, आखिर क्यों जरूरी है, अगर नहीं होता तो ही बेटर होता या है तो अच्छा होगा। देखिए, पुराना जो सिस्टम है उसमें क्या होता था, डीयू में आपको किसी कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो फिर आपको बहुत ज्यादा उसके डिमांड बढ़ जाते थे और बहुत हाई कट ऑफ चला जाता था। अब देखिए, सीयूसीटी जो एक्सपेक्टेड सीयूसीटी अप्रोच होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, और इसे हम लोग समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है हमारे लिए और क्या-क्या इसमें मुख्य बातें हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। सबसे मेन इसमें चीजें हैं कि आपको यहाँ एक जो ये सेक्शन ए होगा, ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसकी समझ बहुत कम लोगों को है, जनरली मैं बता दूँ, इसमें रीजनिंग होगा, है ना, मैथमेटिक्स के थोड़े से क्वेश्चन होंगे जिसे मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं, और सेक्शन बी जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा। मतलब कि अगर आप आर्ट्स देते हो तो आपको आर्ट्स के सवाल पूछे जाएंगे, साइंस देते हो तो साइंस के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, और अगर आप फिजिक्स ऑनर्स या फिजिक्स की एमएससी क्या देना चाहते हो तो उसके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग, ये चीजें हैं आप लोगों को समझनी चाहिए। अगला है, अगला इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए जरा ध्यान से। द सीयूसीटी एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स हु सीक्स टू एडमिशन ऑल द यूनिवर्सिटीज। आपने आईआईटी जैम या आईआईटी का जो दिया होगा एंट्रेंस, उसमें क्या होता है, एक एंट्रेंस होता है, जस्ट लाइक दैट आपको समझना है।
वैसा एक एंट्रेंस होता है, और आपको क्या करना है, जब आप रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही करना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको पहले से सेलेक्ट करके नहीं रखना है, आपको वो बाद में सिलेक्शन दिया जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगला है, व्हाई इज इंट्रोड्यूसिंग CUCT इम्पोर्टेंट नाउ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, द राइजिंग कट ऑफ फॉर द यूनिवर्सिटी। आपको पता ही है कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई जा रही है, टू क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। हाँ, ये एक अच्छी बात रहेगी कि जो जैसे BHU के आसपास के बच्चे हैं वो ज्यादा जानते हैं BHU के बारे में, उनके बारे में उनकी स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, और अगर मान लो साउथ इंडिया के कोई स्टूडेंट है तो वो उधर के कॉलेज के बारे में ज्यादा जानते हैं। अगर ऐसा कॉमन एक होगा एंट्रेंस, जो कि आप देख लो 41 जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, JNU, DU या BHU, सबके बारे में ये बात कहा जा रहा है, तो क्या होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई JNU में लेके इतराएगा या कोई BHU में। हाँ, आपको अगर आपको BHU लेना है तो उतना कट ऑफ लाइए, आप अच्छे मार्क्स लाओ, आपको BHU, JNU जो भी चाहिए मिलेगा, बट उसमें ये नहीं रहेगा कि हाँ आपको यही चाहिए या ये चाहिए, है ना। आपको जैसा मार्क्स लाओगे आपको वैसे कॉलेज मिल जाएगा, जैसे IIT में होता है, IIT उसको मिलता है जो टॉप रैंकर होते हैं। दिस विल इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड बिल्डिंग एंड विल मेक देम मार्केट रेडी। एप्टीट्यूड क्या होता है, देखो एक लाइफ में कहते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका कैसा है। मान लो आपने बहुत पढ़ाई किया, लेकिन कहीं पे अगर कुछ इश्यू आ जाता है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, आपकी आपका दिमाग हरकत करना बंद कर देता है, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, क्या करें, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड यही आप में क्रिएट करता है, पजल बनाए जाते हैं इसमें। आपको पता है ना, रीजनिंग रीजनिंग की हमारी कोर्सेज पिछले साल भी लॉन्च हुई थी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। सो काइंडली ज्वाइन आवर कोर्स। अपने कोर्स के बारे में मैं बता दूं, पिछले वीडियो जिसको हम लोग राइट साइड पे टैग करेंगे उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगा, है ना, वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट इनहेंस्ड। स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी बढ़ेगी अगर ऐसा एंट्रेंस होगा तो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्यों जरूरी है CUCT और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से कुछ और भी चीजें हैं, हैविंग अ मेजर चेंज इन एकेडमिक ईयर, CUCT हैज बीन नेम्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 44। ये पहले की न्यूज है, देखिए इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का इसमें जिक्र किया गया है, तो जैसे ही इसकी लेटर इशू हो चुकी है, वो लेटर जब उस पर काम शुरू हो जाएगा तो आपको ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहुत सारी चेंजेज होने वाली नहीं है, बेसिक चेंजेज है, मैंने बता दिया, आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस, ये सब बैचेज हमारी चल रही है, फी हमने बहुत ज्यादा नहीं रखा है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, चूंकि सीट्स लिमिटेड है, फिर उसके बाद फी हाइक हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आने लगती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।